हची है और हची की मम्मा है फिलहाल तो ये सीमांतनी, और सीमांतनी की मम्मा है ये। तो अभी हची को डायपर पहनाया जा रहा है जो कि डायपर है ये। तो आप लोग कहीं भी आउटिंग के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं और आपको डर है कि आपका पपी पॉटी ना कर दे, तो उसके लिए हगीज आता है पेट सॉफ्ट के नाम से। तो अभी हम देखेंगे कैसे मैम पहनाती है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसलिए मैं खुद भी सीख रहा हूँ आज। हाँ जी अच्छा, इसके अंदर होल है, होल है ताकि इसकी टेल बाहर आ जाए। अरे वाह गुड। अच्छा साइड से ऐसे उछाड़ना होता है और फिर पेट पे ऐसे ले जाना होता है और नीचे ले जा करके इसको ऐसे हम चिपकाएंगे। ओके वाव वाव, हच की लुक स्मार्ट, इंडिया का डॉग तो लग ही नहीं रहा, मतलब पहली बार वाव। तो गाइज ये बड़ी बढ़िया सी चीज है, आपके घर को, आपके बेड को और आपके कार को सेफ रखेगा। अब हम देखेंगे फाइनल लुक कैसा आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है, तो इंसान का बच्चा। अच्छा टेल उसमें फोल्ड हो गया है, अभी ये छोटा है ना। अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो। अभी ये डॉगी का पपी कम, ये इंसान का पपी ज्यादा लग रहा है डायपर वेपर पहन के, तो ये काफी मस्त लग रहा है। क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटी। हाय गाइस नमस्कार, अब हम आपको आज बताने वाले हैं आज के वीडियो में जो कि बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंट और सूचना पूर्ण विषय है कि जब हम एक नया पपी लेते हैं वो चाहे किसी भी ब्रीड का हो, पोमरेनियन, लैब्राडोर, शिज़ू, चिवावा, पग, डॉबरमैन, इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, लैब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, कुछ भी हो, तो हमें सबसे पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एक पपी लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ब्रीड है, ठीक है, तो उस ब्रीड के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले फीडिंग बोल लेते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि हमारे पास कई साइजेस के बोल मिल जाते हैं मार्केट में, आपको आपके इलाकों में मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे, ये नंबर वन है, फिर इसके बाद नंबर टू, नंबर थ्री आता है, ये देखिए नंबर फोर का बाउल है। तो जब भी आप एक छोटा पपी लेते हैं तो इस बाउल से स्टार्ट करें, छोटे वाले बाउल से। तो और हाँ, आप अगर दिन में उसको तीन बार, चार बार, पांच बार मील दे रहे हैं तो हर खाने के बाद, हर बार आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे विम बार से या किसी भी डिश धोने वाले साबुन से, सो दैट इसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज उसको फूड पॉइजन हो सकता है या बासी खाने की वजह से कोई इश्यूज हो सकता है। तो हमेशा दो बाउल्स लें। दो क्यों लेंगे, क्योंकि एक डेढ़ महीने, दो महीने बाद ये छोटा पड़ने लगेगा, उसके बाद ये बड़ा वाला लेंगे। हम शुरू में ही बड़ा ले लें, छोटे की जरूरत ना पड़े तो हम बड़ा ही ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। जब आप ये बड़ा बाउल ले लेंगे और एक छोटा पपी होगा तो वो खाते खाते अपना दोनों हाथ पैर घुसा लेगा, फिर मुंडी भी घुसा लेगा और खुद भी घुस जाएगा, तो अपने आप को पूरा गंदा कर लेगा। इसलिए हम पहले बड़ा बाउल नहीं लेते, छोटा बाउल लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या लेते हैं, जब भी हम छोटे पपी को लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमें स्टार्टर में क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है हमें सेरेलेक। तो सेरेलेक को क्या करना है, अब हम टाइमिंग बताने जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें देनी चाहिए। आप सब हमसे डाइट प्लान की डिमांड करते हैं, सो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आज। तो सब लोग अपने सोने उठने के समय के हिसाब से, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं, इसके अंदर स्पून होता है, 2 स्पून सेरेलेक आप लीजिए, 50 ml वाटर आप लेंगे, यानी कि आधा कप, लगभग आधा कप पानी आप लीजिए, 2 स्पून सेरेलेक का लीजिए, उसको घोलिए, खीर जैसा बनाइए, एंड वाटर शुड बी लीव लाइक वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी आप लेंगे, सो दैट ये अच्छे से घुल जाता है। ठंडे पानी में बहुत अच्छे से नहीं घुलता, छोटे छोटे ये फुटके की तरह पड़ते हैं, तो कभी कभी पपीज छोड़ देते हैं तो खाना आपका वेस्ट होगा। गुनगुने पानी में अच्छे से मैश करके आप इसको सुबह 8 बजे दे दीजिए, ये 4 घंटे के लिए सफिशियंट होता है, मतलब रात के मील के बाद 2 चम्मच सेरेलेक इज सफिशियंट और इनफ। फिर इसका दोपहर का मील आपको देना है, जो कि आप 11 बजे या 12-12:30 बजे तक दे सकते हैं। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का स्टार्टर फूड ले सकते हैं, पेडिग्री प्रोफेशनल ले सकते हैं, स्मार्ट हार्ट का स्टार्टर आप ले सकते हैं, एनएमजी का ले सकते हैं, फोमिना का, आर्डन रेंज का। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, और रॉयल कैनिन जिसको पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छा फूड है, तो रॉयल कैनिन का आप मैक्सी स्टार्टर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कई सारे लोग कंफ्यूज करके मैक्सी पपी ले लेते हैं,
पपी 4 मंथ की एज के बाद दिया जाता है। अभी इतनी एज में आपको स्टार्टर देने का होता है, स्टार्टर फूड आप दीजिए। ये बहुत सारे पेट शॉप वाले क्या बताते हैं कि आप 8-10-12 दाने दीजिए, 8-10 दाना तो वैसे चाट के खा ले रहे हैं, 10 दाना मत दिया दीजिएगा। 30-40 ग्राम होना चाहिए, इट्स लाइक अगर आपका हाथ का पंजा बड़ा है तो आधा मुट्ठी, मेरे जितने अगर हाथ है तो एक मुट्ठी खाना, इतना खाना आप 2 कप पानी में सोक करा दीजिए और 2 कप पानी में डालने के 20 मिनट के बाद इतना सा खाना आप देखेंगे सोयाबीन की तरफ फूल के इतना हो जाता है। तो इतना खाना एक पपी के लिए बहुत होता है। और बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि मेरा पपी पानी नहीं पीता, तो वो जो 2 कप पानी आपने इसमें डाला था, वो जो 1 कप पानी आपने सुबह इसमें डाला था, वो सब उसके पानी पीने के ही जरिए हैं, वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी में लिक्विड जा रहा है, बॉडी को मॉइस्चर मिल रहा है। तो अगर अलग से पानी नहीं पीता, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और बहुत सारे पपी ड्राई खाते हैं, हो सकता है आपने पानी में इसको सोक किया, पपी नहीं खा रहा, ड्राई खा रहा है, नो वरीज, ड्राई खाना दे दीजिए, ड्राई खा के वो पेट में फूल जाता है, अलग से पानी दे दीजिए। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, आप दोपहर का हो गया तो दोपहर वाले मील में आप रॉयल कैनन या किसी भी स्टार्टर में पानी में सोक ना करके आप उसको दही में भी दे सकते हैं। सो कर्ड इज वेरी गुड, कर्ड मतलब दही, दही की तासीर बड़ी ठंडी होती है। दही देने से किसी भी पपी को कभी लूज मोशन नहीं होता है, कभी उसको डायरिया जल्दी नहीं होता और पपी एक्टिव और फिट रहता है। दूध कभी भी नहीं दे, हाँ बहुत सारे लोग दूध दे देते हैं, या हो सकता है आप दूध नहीं दे रहे हो, आपके यहाँ ग्वाला आ रहा हो दूध वाला, उसको प्यार उमड़ जाए आपके पपी को देख के, आप उधर जा रही हैं बर्तन लाने किचन में, तब तक वो उसके बर्तन में आधा लीटर दूध डाल दिया, आपको पता भी नहीं दूध पी लिया इसने, लूज मोशन स्टार्ट हो गया। तो दूध कभी नहीं देना चाहिए जब तक आपका पपी कम से कम 4-5 महीने का नहीं हो जाए, क्योंकि लीवर और डाइजेशन दोनों ही थोड़ा सा वीक रहता है, एसेंशियल स्टेज पे नहीं देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है वेंकीज ब्रांड। वेंकीज ब्रांड में जब आप वेंटी प्रो को उठाते हैं तो जो 3rd पॉइंट है वहां पे लिखा होता है मिल्क रिप्लेसर, तो मिल्क रिप्लेसर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिल्क नहीं देना, मिल्क अवेलेबल हर जगह है, मिल्क का रिप्लेसर इसीलिए कंपनी ने बनाया है क्योंकि मिल्क नहीं देना। इसके अंदर वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, सारे अमीनो एसिड्स है जो भी एसेंशियल यूज होते हैं, तो आपको अलग से दूध देने की जरूरत नहीं है। किसी दादी दादा नाना नानी पड़ोसी या बड़े सलाहकार की सलाह मत लीजिएगा, अरे भैया दूध नहीं दोगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, पैर मुड़ जाएंगे, बकवास बात है। इसके अंदर सब कुछ है, जब दूध का टाइम आएगा तब आप इसको दूध दीजिएगा, अभी स्टार्टिंग स्टेज पे दूध मत दीजिएगा, ठीक है। फिर 12 बजे के मील के बाद हम दोपहर का 3-4 बजे का मील, जब आपका पपी अप्रॉक्स 45-50 दिन का हो जाए तब दही चपाती दे सकते हैं। सिर्फ डॉग फूड या पैक्ड फूड पे मत रखिए, दोनों खाने दीजिए। दोनों खाने देने से सबसे पहला फायदा यह होता है कि पपी को हर एक तरीके का मील मिलता है, घर का भी खाएगा बाहर का भी खाएगा तो उसको आदत होगी। सपोज कभी आपको 2 दिन के लिए शादी में जाना हो, पूरी फैमिली को अपने पपी को या अपने डॉग को रिलेटिव के यहाँ छोड़ना हो, तो आप 300 रुपए या 2000 रुपए का खाना खरीद के खिला सकते हैं, आपके रिलेटिव नहीं खरीदने वाले, वो बस दूध दे देंगे या बस रोटी दे देंगे या बस कुछ भी दे देंगे। तो कभी नहीं खाया होगा जब आपका डॉग, तो उसको लूज मोशन या डायरिया हो जाएगा। जब सब कुछ खाता रहेगा तो उसका लीवर सेट रहेगा, हाँ मुझे ये वाला भी खाना है वो वाला भी खाना है। दोपहर में 3-4 बजे के खाने के बाद एक लास्ट मील आप उसको शाम 8 बजे या रात 9 बजे 10 बजे 11 बजे अपने सोने उठने के हिसाब से दे सकते हैं। रात वाले खाने में आप 2 स्पून सेरेलेक ले लीजिए, आधा मुट्ठी आप स्टार्टर का फूड ले लीजिए, दोनों को सोक कर दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं कि सुबह आपको नाश्ते में सेरेलेक ही देना है 8 बजे या 6 बजे, आप सुबह स्टार्टर दीजिए, दोपहर में सेरेलेक दीजिए, सुबह सेरेलेक और स्टार्टर मिक्स करके दे दीजिए, सुबह सुबह ही आप इसको दही रोटी दे दीजिए, नो इश्यूज इन दैट। आप अपने से कैसे भी अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, कभी आपके यहाँ दही नहीं हुई सेरेलेक दे दिया, सरलेक खत्म हो गया दही रोटी दे दिया, दही नहीं है ब्राउन ब्रेड ले आइए मार्केट से, दही और ब्राउन ब्रेड दे दीजिए। तो ऑप्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करना है, आपको कोई भी शुगर या सॉल्ट वाली चीज नहीं देनी है, शुगर और सॉल्ट वाली चीज नहीं देनी है। होता क्या है कि आप लोग का मेरे पास बार बार कॉल होता है, भैया हेयर फॉल हो रहा है, भैया मैं क्या करूं, मैं पूछता हूं कुछ खिला रहे हो एक्स्ट्रा, नहीं मैं तो कुछ नहीं देता भैया, हेयर फॉल हो रहा है मैं क्या करूं, आपके घर में बच्चे हैं, हाँ बट वो कुछ देते नहीं है। होता क्या है कि नजर बचा के आपके दादाजी जो मैरी और बिस्किट मतलब मैरी बिस्किट और चाय पी रहे होते हैं, वो दुलार में ऐसे छोटा सा टुकड़ा ऐसे खिलाते, ठीक वो आपको नहीं दिखता। आपकी माता जी ऐसे घंटी लाते हुए पूजा पाठ करके आती है, एक ठो पेड़ा दे देती है धीरे से। आपका बेबी कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क खा रहा होता है, वो खाओगे, लो टॉमी खा लो, तुम भी खा लो, हज खा लो,
ठीक है वो दे दिया, आपने पापड़ बनाया होली का है ठीक है, थोड़ा सा पापड़ खा लो, साबुदाने का चिप्स खा लो, थोड़ा 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 करके फैमिली में इतना, और लोगों को लगता है इतना ही तो खिलाया क्या होता है, अरे देख रहा था, अरे मैं कैसे नहीं दूं, अरे यार देखो कितनी आशा भरी निगाहों से देख रहे हो, मैं कैसे नहीं दूंगा, अरे यार ठीक है। आप इनका ट्रीट अलग अलग आता है, जब भी आपको बस ऐसे ऐसे देखते हैं ना आशा भरी निगाह से, दे दो, और मुझे भी मन करता है, क्या करूं, मन करता है मैं पूरा खाना ही देख लूं उसमें। तो उसमें आप क्या करेंगे, मार्केट में देखिए स्टिक्स मिलते हैं, देखिए मंचे स्टिक है और ये जराई के ट्रीट्स हैं, ठीक है, और ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये ट्रीट्स है, टॉफी चॉकलेट है इनका, इनमें प्रॉपर हेल्दी एनर्जी सप्लीमेंट है ये उनके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, वेट कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके डॉग के वेट को कंट्रोल करेंगे, और स्किन फ्रेंडली है, स्किन अच्छा है। देखिए इसका दूसरा फ्लेवर है चिकन स्ट्रॉबेरी, ये रियल चिकन मीट से बना हुआ होता है, तो इसमें भी ये सारे चीजें दी होती है, तो आपको एक पैकेट लेने की जरूरत है और एक पैकेट आपका आराम से एक डेढ़ महीने चल जाता है। इसमें लंबी लंबी स्टिक्स होती है और इसको आप एज अ ट्रेनिंग ट्रीट्स भी यूज कर सकते हैं। सपोज पूजा घर में नहीं जाना डॉग को, तो आपने पहले दिन बोला ये घुस गया, दूसरे दिन बोला घुस गया, तीसरे दिन आपने चिल्ला के बोला नहीं टॉमी नहीं जाना है, वो रुक गया और पलट के आपको ऐसे दिख रहा है, तुरंत आप इसको पैकेट खोलिए, थोड़ा सा निकालिए, गुड बॉय, हाँ नहीं जाना वहां पे। फिर चौथे दिन ये चला गया, पांचवें दिन भी चला गया, छठवें दिन फिर आपने चिल्लाया तो ये रुक गया, फिर छठवें दिन दीजिए, तो इट विल टेक टाइम। तो इन ट्रेनिंग ट्रीट्स के माध्यम से हम बचपन से ही इनको ओबीडियंसी की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, सो दैट ये बाथरूम में नहीं जाए, पूजा घर में ना जाए, किचन में ना जाए, लिविंग एरिया में रहे, बेडरूम में रहे, जितना इनका जगह है उतना। तो बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो सोचते हैं बचपन से मैं अपने डॉग को चिकन मटन फिश और एग ये सब दूं, तो इतने छोटे पपी को एग मत दीजिए, नहीं देना चाहिए। जब आपका पपी 60 डेज क्रॉस कर जाए, 2 मंथ का हो जाए, जैसे अभी ये 35 डेज का पपी है मेरे साथ, तो 25 डेज के बाद जब ये 60 डेज का हो जाएगा तो हम इसको एग दे सकते हैं, बॉयल्ड रॉ एग नहीं देना है, बॉयल्ड एग देना है। एक बॉयल्ड एग बहुत है और वो भी मौसम पे डिपेंड करता है, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है बहुत गंदी वाली गर्मी वाली मौसम है, अभी मत दीजिए, आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में दबा के आप बॉयल्ड एग दीजिए। 2 महीने के बच्चे को एक सुबह या एक रात में बहुत है, जब ये 3-4 महीने का हो जाए तो 2 रात में 2 बॉयल्ड एग दे दीजिए, ब्रेकफास्ट में 1 बॉयल्ड एग दे दीजिए। एडल्ट हो जाए 3 अंडे सुबह 3 अंडे शाम दीजिए, अंडा नुकसान नहीं करता। ध्यान ये रखने की बात है कि योग नहीं देना है, क्योंकि डेली योग देने से कोलेस्ट्रॉल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है और ये बहुत फैटी हो जाएगा और ओवरवेट हो जाएगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा बट ये दौड़ नहीं पाएगा, ये बस फिर गबरू जवान सा रहेगा, उठेगा खाएगा सोएगा कुछ कर नहीं पाएगा। तो बॉयल्ड एग 2 मंथ के बाद ही दे या 3 मंथ के बाद दे, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस ब्रीड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर दिस ब्रीड, हर एक ब्रीड का अपना लीवर और डाइजेशन सिस्टम होता है। अब आप सेम क्वेश्चन अगर मुझसे जर्मन शेफर्ड के लिए पूछेंगे तो मैं कहूंगा भैया 4 महीने का होने तक मत दो, लैब्रा को 2 महीने का होने तक दो, तो सबका लीवर फंक्शन अलग अलग होता है। लैब्राडोर वैसे बहुत फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा दोस्ताना स्वभाव के ब्रीड होते हैं और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त होती है उनकी, डाइजेशन लीवर बहुत अच्छा होता है, और डाइजेशन की क्या ही बताओ, मतलब 4 बार के आप इसको दिन में 14 बार खाने देंगे ना, लैब्राडोर आपको 14 बार खाना खाएगा। तो सिस्टम से देना है, हिसाब से देना है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग एक पैकेट फूड लेते हैं, पूछते हैं मुझसे भैया कितने दिन तक चलेगा, मैं कहता हूँ 2 महीना चल जाएगा, और उनका खाना फिर 20 दिन में या 15 दिन में खत्म हो जाता है, फिर वो आते मेरे से भैया आपने तो बोला था 2 महीना चलेगा, भैया कितनी बार खिला रहे थे, भैया जब जब कुकू करता है तब तब दे देते हैं, मैंने कहा मतलब, तो भैया डॉग तो कुकू करेगा ही ना, तो वो दिन में 20 बार खाना दे रहे हैं, 20 बार खाना उड़ा रहा है, इतना छोटा सा बच्चे से गेंडा की तरह हो गया, चल नहीं पा रहा, पेट टच हो रहा है जमीन को, तो भैया प्यार ठीक है, मतलब क्या करो, भैया 4 बार दीजिए, ठीक है, 4 टाइम्स अ मेल इज सफिशियंट, 4 टाइम्स मेल हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं 4 टाइम्स मेल। सो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि और प्रिकॉशन के तौर पे हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए फर्स्ट टाइम ओनर को। तो सबसे पहले जब भी आप एक छोटा पपी लेते हो तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या 10 दिन बाद 20 दिन बाद, मैं दुआ करता हूँ कभी ऐसा हो ना, बट हो ही जाता है, ज्यादा खाने की वजह से या कम खाने की वजह से या गीले में जाके सो जाने से पपी को डायरिया होता, लूज मोशन होने लगते हैं, कभी कभी होता है कि 100 ग्राम खाना देना है, आपसे गलती से 150 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, सो डोंट बी पैनिक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो उतना ही नेचुरल है जैसे आपका लूज मोशन मेरा लूज मोशन है, उतना ही नेचुरल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्केट में बहुत आराम से ये दवा मिलती है, 35 रुपए की है, बिल्कुल महंगी दवा नहीं है, ओफ्लोक्स ओजेड,
ठीक है, ओफ्लोकाइंड ओजेड पेट नाम है, ओफ्लोक्सासिन है इसके अंदर, ओरेंडाजोल है। अगर आप किसी गांव से या किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे ये दवा नहीं मिली वेटनरी वाली, तो आप किसी भी ओफ्लोक्सासिन का सॉल्ट या ओरेंडाजोल का सॉल्ट ले सकते हैं। मैं आपको ह्यूमन मेडिसिन के नाम बता देता हूँ, पावर जिल, नॉरमेट्रोजिल, मेट्रोजिल, नॉर्मेट टीजेड, नॉर्मेट, और इस तरीके से मतलब जितने GYL जिल वाले होते हैं ना, वो सब लूज मोशन की दवाएं होती हैं। तो इतने छोटे पपी को अगर लूज मोशन हो रहा है, सो आपको 2 ml सुबह 2 ml शाम देने की जरूरत होती है। कंटिन्यू 2 दिन या 3 दिन तक दवा दीजिए। ये दवाएं इतनी स्ट्रांग होती है कि एक डोज या दो डोज में ही लूज मोशन रोक देती है। तो आप लोग क्या करते हो, आप दवा रोक देते हो कि अब तो ठीक हो गया, अब तो नहीं देने की जरूरत है, और फिर 2 दिन बाद लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने दवा का कोर्स जो कि 48 घंटे या 72 घंटे का था, 2 दिन या 3 दिन का था, आपने पहले ही रोक दिया एक डोज में या दो डोज में। तो कम से कम 4 डोज जरूर दीजिए। दूसरी दवा में क्या रखने की जरूरत होती है, एज अ फर्स्ट एड, इमिकाइंड पेट। ये क्या है, वॉमिटिंग की दवा है। कभी कभी ज्यादा खा लेने से या खाया तुरंत दौड़ के खेलने लगा, तो एकाक बार अगर ऐसे खाना निकल जाता तो इट्स नेचुरल। कभी डकार से निकल गया, कभी खाने की वजह से उछल गया तो निकल गया। बट जब इसको वॉमिटिंग बार बार हो रही है, लाइक 2 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यू, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पानी रोक दीजिए, एकदम प्यासा रखिए पपी को 6 घंटे तक, या अपने डॉग को। खाना रोक दीजिए, यानी कि भूखा प्यासा दोनों रखिए 6 घंटे तक। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो खाएगा उतनी बार वो वॉक 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 करके पूरी उल्टी कर देना है, पूरा वॉमिट कर देना है, और अपनी हालत और बिगाड़ लेगा। उल्टी करने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इजंट इट? हम लोग को भी लगती है, पानी मतलब उल्टी के बाद लगता है यार पानी पिला, थोड़ा पानी पिला, होता है ना। तो उसी तरीके से डॉग को, डॉग भी और पानी पीना चाहेगा और वॉमिट करेगा। तो मत दीजिएगा खाना पानी 6 घंटे तक, अगर ऐसा होता है तो। इमिकाइंड पेट ये 10 बूंद, या अगर थोड़ा बड़ा बपी है 2 महीने का, तो 1 ml सुबह 1 ml शाम दीजिए। ये भी 2 दिन के अंदर उल्टी बंद कर लेता है। अब ये आपको नहीं मिल रहा है, तो इंसानों के वॉमिटिंग के कुछ मेडिसिन बहुत इजीली जेनरिक दवाएं हैं जो 10-12 रुपए में मार्केट में मिल जाती है। वॉमिकाइंड पेट, वॉमिट टैब, पेरिनॉम का सिरप आता है छोटा सा, वो आप दे सकते हैं, इससे इसका वॉमिटिंग बंद हो जाएगा। अब कैसे हम पहचानेंगे कि पपी को फीवर, पपी की तबीयत खराब है? कई बार क्या होता है, डॉग फोन करते हैं लोग मुझे, भैया मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है देखने का, अगर ये मार्केट में 80 रुपए में मिलता है डिजिटल थर्मामीटर, ये हर एक पेट ओनर के पास होना चाहिए, 70-80 रुपए से ज्यादा ये नहीं मिलता। आपको क्या करना है, इसको सीधा निकालना है पूंछ के नीचे, यानी कि इसके एनल में डालना है पॉटी के रास्ते, और बीक को ऑन कर देना है। एक स्वस्थ या हेल्दी डॉग का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री, 100.2, 100.5 या 101, 100 डिग्री से 101 डिग्री तक, 100 डिग्री से 101 डिग्री तक होता है, 100 से 101 डिग्री तक। इसके ऊपर है तो फीवर है, मान लीजिए 102 डिग्री है, 103 है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी इंसानों वाला ह्यूमन केमिस्ट के यहां जाइएगा, कोई भी इंसानों के बच्चों के बुखार की दवा लीजिएगा। क्रोसिन ड्रॉप्स आता है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम दीजिए। क्रोसिन का ड्रॉप नहीं मिला, क्रोसिन का सिरप आता है, 2 ml सुबह 2 ml शाम दीजिए। कैलपॉल के सिरप आता है, 2 ml सुबह 2 ml शाम। आइबोजेसिक प्लस के सिरप आते हैं, सुमो का सिरप आता है। तो ये सारे नाम आप नोट कर लीजिए जो कि इंसानों के दवा के दुकान पे इजिली मिल जाएगा, सुमो, आइबोजेसिक प्लस, कैलपॉल, क्रोसिन, क्रोसिन ड्रॉप्स, बहुत सारे हैं, मतलब बोले लोगों तो बहुत सारे हैं, बहुत कुछ याद रहता है क्या करें। ठीक है, तो मैंने लूज मोशन, वॉमिटिंग और फीवर दोनों, तीनों की दवाएं आपको बता दी। अब कैसे चेक करेंगे कि आपका डॉग फीवर में है? एक तो टेम्परेचर हो गया, सपोज आपके पास टेम्परेचर वाला मशीन नहीं, तो आपका डॉग एक्टिविटी एकदम बंद कर देगा, ये बस खाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ सोएगा। अगर सपोज आपको पता नहीं चल रहा कि आपके डॉग की तबीयत खराब है या नहीं, तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। एक हेल्दी डॉग हमेशा एक्टिव रहता है, खेलता है, कूदता है, उछल कूद करता है, मस्ती खोरी करता है, पैंट खींचेगा, शूज खींचेगा, टॉवल खींचेगा, लटकती है भाभी के दुपट्टे को खींचेगा, पर्दा लटक रहा होगा तो उससे पकड़ के लटक जाएगा, मतलब अपनी मस्ती वस्ती करता रहता है। सडनली 10 दिन मस्ती किया, 11वें दिन उठ नहीं रहा है, सो रहा है, आपको लगेगा आज थोड़ा सा ज्यादा सोएगा, 1.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा हो गए, अभी भी नहीं उठ रहा है, मतलब दिन भर सोया हुआ है, उठा रहे हैं फिर भी 2-4 कदम चल रहा है, फिर सो जा रहा है, फिर यहां से वहां जा रहा है, सो जा रहा है, चेहरा उतरा हुआ है, आंखें उतरी हुई है, ठीक है, ऐसे मुंह के पास करें तो गरम गरम सांसें आ रही हैं उसकी, तो समझ जाइए उसको फीवर है। या आप कान के नीचे ऐसे उठा के आप अंगूठे से छुएंगे, यहां पे टच कर रहे हैं, मतलब यहां पे तो आपको फील नहीं होगा गरम, यहां पे
मतलब आपके अंगूठे के इस तरफ कान को ऐसे उठाइए, ऐसे दबाइए, अगर गर्म है तो आपकी उंगली पे बहुत गर्म लगेगा। दूसरा तरीका, अपने हाथ को उल्टा करके पेट पे लगाइए। यूजुअली डॉग्स के पेट गर्म रहते हैं, बट जब फीवर होगा तो एकदम जलता हुआ पेट होगा, आपको लगेगा यार जैसे आयरन करके हम लोग सिकाई करते हैं ना गर्म गर्म, उतना गर्म हो जाता है पेट, तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली तो थोड़ा सा गर्म रहता है वो हमारा, आपका भी रहता है, उतना चलेगा। तीसरा पॉइंट, ये खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, आंखों से कीचड़ आएगा डॉग के, और मुंह से कभी कभी स्मेल भी आता है। फीवर में स्पेशली ये चीजें होती हैं, तो इन चीजों में ही आपको फीवर की दवा देने की जरूरत पड़ती है। और क्या क्या चीजें लेने की जरूरत पड़ती है, अब हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले आप इसको पकड़ लीजिए ताकि हम जल्दी से व्यूअर्स को बता पाए। बचपन में ग्रोथ का पीरियड जो होता है बहुत एसेंशियल होता है, तो किसी भी कंपनी का, इवन आप वेंकीज कैल्स वेंकीज का ले लीजिए, मैनकाइंड का ले लीजिए, हिमालय का ले लीजिए, मिजियोलॉजी का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक पपी के लिए। 2 ml सुबह, 2 ml शाम लीवर टॉनिक आपके पपी को चाहिए ही चाहिए होता है। 2 ml ट्वाइस अ डे, 2 ml सुबह, 2 ml शाम। इसको देने से ये होता है कि आपके पपी को डायरिया नहीं होता, आपका पपी जो खाएगा वो पचा ले जाएगा। और हिमालय का ली 52 भी वही चीज है, तो इंसानों वाला नहीं, डॉग का ली 52 अलग आता है। फिर दूसरा हमारे पास मीडियोलॉजी है, दैट इज इम्यून इनहेंसर। इम्यून इनहेंसर क्या होता है, इम्यूनिटी, जिसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसको वो काफी डेवलप कर देता है। इसके अंदर देखिए 5 चीजें आपको मिलती हैं, इट्स इम्यून इनहेंसर, एक्स्ट्रा एनर्जी, हेल्दी हार्ट, गुड ब्रेन एंड ब्रेन एंड जॉइंट, गुड कोट एंड कंडीशन। तो इतनी सारी चीजों को ये फुलफिल करता है। 2 ml सुबह, 2 ml शाम, ये बिल्कुल भी महंगी चीज नहीं है, 350 रुपए का सिरप है, एक बॉटल 2 महीना चल जाता है बड़े आराम से। 2 ml सुबह, 2 ml शाम आपको देना है, ठीक है, तो इसको देने से बहुत अच्छा रहता है। कब देंगे, कभी भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाने के पहले देना है, खाने के बाद देना है, कभी भी दे दीजिए। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर 10-11-12 बजे पिला दिया, और शाम का नाश्ते के बाद 1-2 घंटे बाद दे दिया। खाने के तुरंत बाद टॉनिक्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉनिक्स कड़वे होते हैं, तो डॉग सिरप को थूकने के चक्कर में पूरा खाना ही निकाल देता है पेट से। तो हमेशा या तो खाने के 2 घंटे पहले दीजिए, या खाने के 2-2.5 घंटे बाद दीजिए टॉनिक्स को। और वैसे ही फिर हम कैल्शियम देते हैं, और कोट मतलब मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक, ये तीन तो बड़े एसेंशियल टॉनिक है। जरूरत लगे तो आप आयरन टॉनिक भी दे सकते हैं, वो डॉग को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, बीमार नहीं होने देता, हेयर फॉल नहीं होने देता। और अगर आपके डॉग का हेयर फॉल हो रहा है, और अगर आपके डॉग का हेयर फॉल नहीं भी हो रहा है, तो ये सिरप आप जरूर दीजिए। मतलब मैं हर एक अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करूंगा कि अपने डॉग्स को जरूर जरूर जरूर, कम से कम अगर नया पपी ले रहे हैं 6 महीने तक दीजिए। इससे क्या होता है, इसका कोट का शाइन बहुत अच्छा रहेगा, आपका डॉग कितना भी गंदा रहे अंदर से या ऊपर से कभी गंदा दिखेगा नहीं, इसका बाल इतना चमकेगा कि आपको लगेगा यार ये कितना साफ है। तो सबसे बड़ी चीज, हेयर फॉल नहीं होने देता, कोट बहुत अच्छा रखता है, मुंह से स्मेल नहीं आता इसको पिलाने के बाद, पॉज वॉज सब चमकते हुए आपको दिखेंगे, कान के अंदर बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये स्किन फ्रेंडली भी है, और हेयर और कोट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ चीजें और लेने की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक टॉयज जो आपका डॉग खेलेगा, ट्रीट्स लेने की जरूरत पड़ती है, आपको बोल्स लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि बर्तन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप डॉग को 60 दिन तक नहला नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं 90 दिन तक नहीं नहलाना चाहिए, मैं अग्री करता हूँ, 3 महीने तक नहीं नहलाना चाहिए, 2 महीने बाद आप वैसे नहला सकते, कोई टेंशन नहीं होता। तो उसके लिए मार्केट में हग एंड वर्क या फिर किसी भी अच्छे ब्रांड का वेट वाइप्स आता है। वेट वाइप्स क्या होता है, इसके अंदर 100 रुमाल होते हैं, 100 स्ट्रिप्स होते हैं, एक रुमाल निकालिए, उसमें केमिकल सैनिटाइजर सब लगा होता है, निकाल के अच्छे से पोंछ दीजिए, कितना भी गंदा डॉग होता है एक बार में साफ हो जाता है। लूज मोशन वॉमिटिंग की दवा, एंटीटिक पाउडर, जब भी इसको यूज करें आंख नाक मुंह कान बचा के, दोबारा दोहराता हूं, आंख नाक मुंह कान बचा के इस पाउडर को यूज करें। कैसे यूज करना है, वैसे ही जैसे अपन डेनिम पॉन्ड्स डर्मिकून पाउडर यूज करते हैं ना, टेल्कम पाउडर, वैसे ही बॉडी पे डाल दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 2 दिन लगाएंगे सारे कीड़े मर जाएंगे। बहुत अच्छा पाउडर होता है ये, है या फिर मैनकाइंड ब्रांड का एक्सटिक आता है, वो भी बहुत अच्छा पाउडर है, दिस वन इज लॉजिटिक। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिवॉर्मिंग, आपको ऊपर आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे और हमारे डिस्क्रिप्शन में, दोनों में हमारे डिवॉर्मिंग का वीडियो अभी दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा, तो डिवॉर्मिंग की फुल इन्फॉर्मेशन हमारे सौरभ डॉग चैनल डिवॉर्मिंग वाले पार्ट में है, वो काफी लंबा सेशन है, तो दूसरे वीडियो में। तीसरा, कोई भी अच्छा सा शैम्पू लीजिए,
शैम्पू शुड बी डॉग वाला ही होना चाहिए। क्लिनिक प्लस हेड एंड शोल्डर सतरीठा से नहलाने की कोशिश मत कीजिएगा, एक दो तीन महीने कुछ नहीं होगा, उसके बाद बहुत कुछ होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन, खुजली और रेड हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का शैम्पू ले लीजिए, और बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं नहलाया जाता डॉग को, हर 15-15 दिन पे नहलाइए, या बहुत गर्मी पड़ रही हो तो 10-10 दिन पे, 10 दिन में एक बार डॉग को नहलाने की जरूरत पड़ती है। ये आपको क्लीन करना है तो कैसे करेंगे, हिमालय का देखिए बहुत अच्छा सा फ्रेश कोट आता है, स्प्रे है, आप इसके बॉडी पे स्प्रे कीजिए, रुमाल से पोंछ दीजिए, टिक्स नहीं पड़ेंगे, बाल शाइनिंग रहेगा, हाथ में चिपचिप नहीं करेगा ये कहीं से भी अगर घूम फिर के आ गया। और दूसरा, ये स्पिरिट बेस है तो ये तुरंत उड़ जाता है, आपने मारा पोछा डॉग आपका फ्रेश, आप उसको बिस्तर पे सुला लीजिए, गाल पे लगा लीजिए, सीने से लगा लीजिए, कोई स्मेल नहीं करेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। ये आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2 दिन में 1 बार कर सकते हैं, 1 दिन में 1 बार कर सकते हैं, देयर इज नो रूल। आपको जब लगे कि आपका पपी गंदा हो रहा है, थोड़ा डस्टी हो रहा है, थोड़ा चिपचिप कर रहा है, तो आप इससे साफ कर सकते हैं उसको। और क्या चीजें लेने की जरूरत पड़ती है, बस आई थिंक ये सारी चीजें लेने की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा कॉलर ले लीजिए ताकि उसको अच्छा लगे, लीश का यूज मत कीजिए, हालांकि हमने लीश दे रखा है, लीश का यूज हमेशा 4 महीने के बाद किया करिए, क्योंकि बच्चे को बंधना पसंद नहीं होता, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि ना कभी कॉलर लगाना चाहिए ना कभी लीश लगाना चाहिए। सुंदरता के लिए गले में लगा दिया तो चलो ठीक है, कभी चेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका डॉग जबान से बंधे और जबान से खुले, वो आपकी सीटी, आपका इशारा, आपका ये समझना चाहिए। मेरे जितने डॉग्स हैं, आप जो चैनल पे देखते हैं मेरे, इवन मेरे फार्म पे भी आपने देखा, हमने किसी की चेनिंग नहीं की थी, अगर 1-2 को हमने चेन में पकड़ भी रखा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा देखते ही भाग जाते हैं या फिर चढ़ के मेरे कपड़े गंदे कर देते हैं, सिर्फ इसलिए हम उस वीडियो के लिए उनको बांधते हैं। सो आई थिंक ऑल इज सेट, ऑल क्लियर। तो आई होप गाइज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ जाना होगा, अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्दी हमारा सेकंड चैनल लॉन्च हो रहा है, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जिसमें मेरी बातें, आपकी बातें, सब कुछ होने वाला है, और उसमें पता है आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बाइबल, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, लव, अफेक्शन, ब्रेकअप, एजुकेशनल सेमिनार्स, करियर काउंसलिंग, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। मतलब मैं जहां जहां जाता हूँ, जिनसे मिलता हूँ ना, फुल डे मेरा रिकॉर्ड होगा, सोने से और नहाने को छोड़कर सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड होगा, मेरा 24 घंटे का सिनेरियो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो चैनल का नाम याद कर लीजिए, द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, या फिर द लाइफ ऑफ सीक्रेट, अभी ये भी सीक्रेट है कि क्या होने वाला है, दैट वी विल टेल यू। सो गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।